गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप लोग? चलिए, आज हम लोग आ गए हैं दूसरे वीडियो में, स्टैटिक्स का सेकंड पार्ट. ठीक है, उम्मीद है पहला पार्ट आपने जरूर देख लिया होगा. देखना जरूरी इसलिए है क्योंकि उसमें बेसिक चीज़ें हम लोगों ने सीखी थी और उसमें दो चीज़ें हमने निकालना सीख लिया था. ठीक है, मीजरमेंट जो हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी का कर रहे थे उसमें हम लोगों ने मीन निकालना सीखा था और मीडियन निकालना सीखा था. ठीक है, आज हम लोग सीखेंगे मोड निकालना, लेकिन थोड़ा सा फ्लैशबैक. फ्लैशबैक का मतलब ये है कि चलिए याद करते हैं थोड़ा सा. याद क्या है कि मैंने आपको सीरीज बताई थी, याद है? सीरीज, सीरीज का मतलब क्या? श्रेणी, श्रेणी बताई थी. और मैंने कहा था श्रेणी तीन तरह की होती है क्योंकि जब भी क्वेश्चन बनता है इन्हीं तीन श्रेणियों पर आधारित होता है. सबसे पहला हमने आपको बताया था पर्सनल, ठीक है, व्यक्तिगत वाली. दूसरी हमने आपको बताई थी डिस्ट्रिक्ट, खंडित श्रेणी. ठीक, तीसरी बताई थी कंटिन्यूअस, सतत श्रेणी. तीनों के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं क्योंकि आगे इसी की बात करेंगे. पर्सनल का डेटा हमने कुछ इस तरह का दिया था, आपको याद होगा, 2, 3, 4, 6, 7, 8 इस तरह से. डिस्क्रीट श्रेणी का डेटा हमने कहा था इस तरह से कॉलम बना के दिए जाएंगे, एक कॉलम होगा एफ का और एक एक्स का. कंटिन्यूअस सीरीज में मैंने कहा था फिर से दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो बात होगी वो किसकी बात होगी? वो क्लास इंटरवल की बात होगी. किसकी बात होगी? क्लास इंटरवल की, वर्ग अंतराल. ठीक है, हिंदी वाले बच्चे, वर्ग अंतराल. और साथ में दिया जाएगा बारंबारता, बारंबारता जिसको हम फ्रिक्वेंसी बोलते हैं. ठीक, तो ये तीन तरह की श्रेणियां थी, तीनों याद आ गई होंगी. चलिए आगे बढ़ते हैं. आज हम लोग बात करने वाले हैं मोड, इसके बारे में बात करने वाले हैं. मोड क्या होता है भाई? मोड, मोड का मतलब बहुलक. क्या है? बहुलक. ध्यान से देखो तो यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ है बहु. क्या लिखा है? बहु. बहु का मतलब समझते हो? यहाँ से हम लोग करेंगे. बहु का मतलब बहुत. बहु का मतलब बहुत. तो आप ऐसा बोल सकते हो कि गिवन डेटा में, क्या बोला मैंने? गिवन डेटा में, गिवन डेटा में जो नंबर, गिवन डेटा में क्या होगा? जो नंबर या जो डेटा सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ, रिपीटेड, वही हमारा क्या है? नंबर कह लो या डेटा कह लो, जो भी आपका नाम, ठीक, वही हमारा क्या होगा भाई? कैसे सर? तो आइए एक एक सीरीज में बात करते हैं. ठीक है, सबसे पहली सीरीज की, सबसे पहली सीरीज हम लोगों ने पढ़ी थी पर्सनल. तो एक पर्सनल का मैं डेटा दे रहा हूँ, ठीक है, पर्सनल सीरीज है. पर्सनल सीरीज का मैं एक डेटा दे रहा हूँ आपका. आपको क्या करना है? बहुलक बताना है. जैसे मैंने लिखा 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 8. अब ये डेटा दिया गया और इस डेटा में आपसे पूछ रहा है कि दिए गए डेटा का बहुलक क्या हो. तो आपको भी बताया बहुलक का मतलब जो नंबर सबसे ज्यादा बार आया, बहुत बार आया, वही हमारा बहुलक हो जाता है. तो बहुत सिंपल होता है. तो बताओ भाई, क्या नहीं बता पाओगे? आपने देखा एक एक बार है, दो दो बार है, तीन तीन बार है, चार चार बार है, पांच दो बार है, छह दो बार है, सात आठ दो बार. तो सबसे ज्यादा बार नंबर कौन सा आया है? चार. तो हमारा बहुलक क्या हो गया भैया? चार. और ये रहा आंसर, बताओ है आसान कि नहीं है? इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है. आगे हम आपको क्वेश्चंस कराएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उनमें देखिएगा कि इसी इसी तरह के सवाल बड़े आसान आसान से पूछे जाते हैं. ठीक, कठिन कहाँ होता है? आइए दूसरी सीरीज बात करते हैं. दूसरी सीरीज हम लोग दूसरी सीरीज में निकालने वाले हैं. और दूसरी सीरीज हमारी थी डिस्क्रीट. क्या थी भैया? डिस्क्रीट. डिस्क्रीट सीरीज में क्या था? डिस्क्रीट सीरीज में आपको निकालना है बहुलक. और ये तो सबसे आसान, देखना भी नहीं है. कैसे? पहले मैं डिस्क्रीट श्रेणी बना देता हूँ, सीरीज बना. उसमें आपको दिया होगा एफ और एक कॉलम दिया होगा, ठीक है, एक एफ दिया होगा और एक क्या दिया होगा? एक्स. एफ एक्स की बात जब चली रही है तो इस तरह का कॉलम मिलेगा. जैसे मैंने बोला एक, मैंने बोला 2, 3, 4, 1. ठीक, इसमें दे दिया 2, 3, 4, 7, 8. इस तरह का एक डेटा दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि दिए गए डेटा का क्या निकालो भैया? बहुलक निकालो. तो अब बताओ बहुलक के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा है? बहुलक में यही तो पढ़ा है कि ऐसा डेटा या ऐसा नंबर या जो गिवन डेटा है हमारे पास उसमें से जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ. तो अब इसको समझना बड़ा आसान है. कैसे सर? जरा देखिए कैसे. अब आप हमको बताइए एफ का मतलब क्या होता है? तो आप कहोगे सर बारंबारता. बारंबारता का मतलब क्या? फ्रीक्वेंसी. तो ये तो फ्रीक्वेंसी है. और एक्स क्या है? ये डेटा होता है हमारा.
अब अगर मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करना चाहूँ, मैं कहूँ कि बताओ एक कितनी बार आया है, तो एक आया है 2 बार, कितनी बार आया है 2 बार, एक को हम लिखेंगे 2, क्लियर, ऐसे लिख सकते हो। फिर मैं कहूँगा 2 कितनी बार आया, फिर आप कहोगे 3 बार आया है, तो 2 कितनी बार आया, 3 बार आया, बोलो। फिर आपसे मैं कहूँगा 3 कितनी बार, तो आप कहोगे 4 बार। तो ऐसा नहीं लग रहा कि कोई नंबर कितनी बार रिपीट हुआ है, वो ये दिया हुआ है। और आपको पता है कि बहुलक होता है जो सबसे ज्यादा बार आया हो, तो क्या आप हमें ये देख के बता सकते हो कि फ्रिक्वेंसी किसकी सबसे ज्यादा है? तो जिस नंबर की फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा है भाई, बहुलक तो वही हो जाएगा। तो आपने देखा सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंसी कितनी है, 8, और 8 फ्रिक्वेंसी किसकी है, 6 की। तो बहुलक क्या है, बहुलक 8 नहीं है, नहीं तो कर लें बच्चे यही कर देते हैं, बहुलक क्या है, बहुलक है 6, बहुलक क्या है 6 नंबर है जो कितनी बार आया है, 8 बार आया है। तो बड़ा आसान सा था, इसमें कोई टेंशन ही नहीं थी, था ये है आसान की नहीं है। तो ये था हमारा बहुलक इस श्रेणी में। चलिए आगे तीसरी सीरीज की बात, तीसरा श्रेणी। तो तीसरा श्रेणी मैंने आपको बताया था कंटिन्यूअस, और इन तीनों में सबसे ज्यादा अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड है तो यही। क्यों कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि माध्यिका और ये, इनमें फॉर्मूले लगते हैं, ठीक है, और यही हमें परेशान करते हैं। कंटिन्यूअस सीरीज इसको बोलते हैं भैया, सतत श्रेणी। कुछ बच्चे परेशान हो जाते हैं, हार्ट अटैक को पढ़ने लगे, है ना, कि अंग्रेजी में पढ़ा रहे हैं सर, ठीक। चलिए आइए सतत श्रेणी। और आपको पता है सतत श्रेणी कैसी होती है भाई? तो आपने कहा था सर इसमें सतत श्रेणी में आपको दिए जाते हैं वर्ग अंतराल। क्या दिए जाते हैं भैया? वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, क्लास इंटरवल, ठीक है, क्लास इंटरवल। और यहाँ दी जाती है एफ फ्रिक्वेंसी, जिसको बारंबारता बोलते हैं, बारंबार। चलिए भाई कॉलम बना लेते हैं, कुछ डेटा मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ, ठीक है, और ऐसा नहीं कि डेटा रट के आया है, तो डेटा हो सकता है कुछ वैल्यूज इधर उधर हो जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं, ठीक है। 0 से 10, 10 से 20 से 30 से 40 से 50 से, ठीक। अब आपको दिया जाएगा फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी जैसे मान लेते हैं कुछ फ्रिक्वेंसी दे देते हैं 2, 3, 5, 7, 8, ये दिया जाएगा। और कहा जाएगा कि दिए गए डेटा का, ये दिया गया डेटा जो है, दिए गए डेटा का, ठीक है, ओके, दिए गए डेटा का क्या निकालो भैया, बहुलक निकालो। क्या निकालो? बहुलक। अब ऐसे तो है नहीं कि हवा में देख के बता देंगे बहुलक। देखो भाई यहाँ करना क्या होगा, यहाँ पर आपको यूज करना पड़ेगा, और आपको मैं बता चुका हूँ बिना फॉर्मूले की ये क्वेश्चन। आइए सबसे इम्पोर्टेंट बात है फॉर्मूला करते हैं, क्या करते हैं, फॉर्मूला क्या है लिखने चल रहे हैं यहाँ पर। क्या है फॉर्मूला? तो फॉर्मूला है एल प्लस, क्या भैया, एल प्लस ब्रैकेट के अंदर एफ वन माइनस एफ, अपॉन में भी लिखेंगे एफ वन माइनस, ठीक है। यहाँ पर 2 लगाते, और जैसे ही 2 लगाओगे तो F2 और घटा, तो यहाँ इस चीज़ को ध्यान देना है। क्या लिखा हुआ है फिर से समझ, फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2 F1 माइनस F0 माइनस F1 माइनस F0, F1 माइनस F0, फिर मैंने इधर 2 आगे लगाया तो मैंने F2 घटा दिया, ठीक, और इंटू करा दिया। अब बात आती है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको आपको यहाँ समझना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर मेन चीजें हैं, क्या क्या टर्म्स हैं, टर्म्स समझो। यहाँ पर आपको मिलेगा एस, यहाँ पर मिलेगा एच, यहाँ पर मिलेगा एफ वन, यहाँ मिलेगा एफ जीरो, और यहाँ पर मिलेगा एफ टू। एक और टर्म है एफ टू, दिख रहा है। अच्छा, अब ये टर्म्स हैं हाउ टू फाइंड। मैं यहाँ पर एक नोट बना रहा हूँ, नोट, नोट में क्या, हाउ टू फाइंड दीज, इनको कैसे ढूंढा जाए, इनको ढूंढा कैसे जाए, हाउ टू फाइंड दीज। तो सबसे पहला स्टेप क्या करना होगा, सबसे पहला स्टेप करना होगा फाइंड दी, फाइंड करना है, ढूंढना है उस कॉलम को, उस कॉलम या रो को, कॉलम ही कहेंगे उस कॉलम को जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा है। मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ, जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे
सॉरी सॉरी सॉरी, चलिए आइए। तो हमने कहा कि फाइंड करना उस कॉलम एरो को जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, सबसे ज्यादा है। अब देखिए फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किस में दिख रही है, तो आपने तुरंत नजर दौड़ाई फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में और ये मिल गया आपको 7। क्या मिल गया भैया? 7। जैसे ही आपको 7 मिला, तुरंत आपने इस कॉलम को क्या किया, सेलेक्ट कर लिया। तुरंत आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए क्योंकि यहीं से काफ़ी चीज़ें हमको मिलने वाले हैं। ये ऐसे जैसे ही सेलेक्ट किया, ध्यान दीजिएगा अब यहीं से हम डेटा निकालेंगे। जैसे ही आपने ये सेलेक्ट किया तो चलिए आइए डेटा क्या क्या लेना है हमको, ये भी बात है। ठीक है, आइए। आपको चाहिए एल। एल का मतलब देखो, ये होती है लोअर लिमिट और ये होती है अपर लिमिट। तो हमको एल मतलब होता है भैया, मैं बता चुका हूँ एल क्या होता है। एल होता है लोअर लिमिट। एल क्या होता है? लोअर लिमिट, लोअर लिमिट। एक कलर क्या दिक्कत कर रहा है, लोअर लिमिट। ठीक, एच क्या है? तो एच मैंने कल भी बताया था आपको, अगर आपने देखा होगा तो। एच क्या है? एच क्या है भैया? तो एच होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट। ठीक भाई, आगे एफ वन। अब देखो यहाँ तीन टर्म है, एफ वन, एफ जीरो, एफ टू। तो जिस कॉलम को आपने सेलेक्ट किया है वो होता है, जिस कॉलम को आपने सेलेक्ट किया है, जिस कॉलम को आपने सेलेक्ट किया है। ठीक है, कलर का इशू क्यों आ रहा है भाई? जिसको आपने सेलेक्ट किया है वो होता है एफ वन। क्या होता है भैया? एफ वन। इसके ऊपर वाला जो नंबर है ये होता है एफ जीरो, और इसके नीचे वाला जो होता है ये होता है एफ। फिर से मैं बता देता हूँ, फिर से आप समझिए। ठीक है, क्या बताया मैंने? जिस कॉलम को आपने सेलेक्ट किया है वो होता है एफ वन, इसके ऊपर वाला नंबर होता है एफ जीरो, और इसके नीचे वाला नंबर होता है एफ टू। बस सारी चीज़ें हमको पता चल गई। कैसे सर? अब बताओ लोअर लिमिट कितना है? तो लोअर लिमिट है 30। लोअर लिमिट कितना? 30। एच मतलब लोअर माइनस, इन बीच का डिफरेंस कितना है भैया? तो आपने कहा सर 10। एफ वन कितना है? तो आप कहोगे सर 7। एफ जीरो कितना है? तो आप कहोगे 5। उसके बाद एफ टू कितना है? तो आप कहोगे 3। सारी वैल्यूज उठा के रख देते हैं। आइए सर, और छोटा कर देता हूँ, यहाँ पर वैल्यूज रख देता हूँ। ठीक है, बड़ा आसान है, देखिए कठिन कठिन कुछ नहीं होता। ठीक है, कैसे? एल, एल कितना है आपने लिखा? 30। तो 30 प्लस, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा एफ वन माइनस एफ जीरो, एफ वन माइनस एफ जीरो, 7 में से 5 गया 2 बटे में, 2 एफ वन, 7 दूनी 14, माइनस एफ जीरो एफ टू, 5 और 3 8 घटा देते हैं और इनटू करा देते हैं कितने से, 10 से, 10 है। तो ये आ गया कितना? 30, और ये 2 बटे 14 में से 8 गया 6, 1 बटे 3 इंटू 10, तो ये 10 बटे 3 3.3, तो ये आ गया 33.33, और ये है हमारी क्या, बहुलक। ये क्या है बात? बहुलक। तो भैया बहुत आसान है, मेन चीज़ है फॉर्मूला याद होना। अब आइए, आपको मैं एक अलग से बना के दे रहा हूँ सारणी, ठीक है, एक चार्ट बना के दे रहे हैं, उसमें से आपको कुछ चीज़ें पहचाननी है। यही कैसे, देखना ध्यान से, मैं फिर से बना रहा हूँ वर्गंतराल, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से कितना? 30, 30 से कितना? 35 से कितना? ठीक। अब ये कॉलम है एफ का और ये है क्लास इंटरवल का। ठीक है, चलिए 2 3 4 5 6 3 2 1, इस तरह से। अब आपको क्या निकालना था? देखो आपको यूज़ करना था फार्मूला। क्या यूज़ करना है? फार्मूला। तो भैया फार्मूला आपको लिखना पड़ेगा। फार्मूला क्या है? लिखना पड़ेगा, क्योंकि लिखोगे नहीं तो याद नहीं होगा। फॉर्मूला था L प्लस ब्रैकेट के अंदर F1 माइनस F0, नीचे भी तुरंत वही लिखो F1 माइनस F0। ठीक, अब यहाँ पर 2 चिपकाओ और F2 घटा दो, F2 घटा दो और इनटू। अब देखो क्या क्या चाहिए, F1, F0, F2, L और H। L होती है लोअर लिमिट, मैं बार बार बता चुका हूँ आप, लोअर लिमिट। ठीक है,
एच क्या होता है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक, देखो ये होता है लोअर लिमिट, मैं बार बार बता चुका हूँ, ये क्या है लोअर लिमिट, और ये क्या होता है भैया, ये होता है अपर लिमिट, अपर लिमिट। ठीक है, हर कॉलम में अपर लिमिट लोअर लिमिट आपको देखने को मिलेगा। चलिए आइए, अब हमने कहा था जब भी ढूंढना हो तो सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंसी किस कॉलम की है, फ्रिक्वेंसी आपने देखी सबसे ज्यादा किसना है, 6। आपने इस कॉलम को तुरंत सेलेक्ट कर लिया, ये हो गया लोअर लिमिट, ये हो गई F1, इसके ऊपर वाला F0 और इसके नीचे F2, खत्म हो गया, हो गया खत्म बस। और यहाँ पर फॉर्मूला रख देंगे और आंसर आ जाएगा। तो ये चीज क्या है, बहुलक हम लोगों ने देख लिया, क्या देख लिया भैया, बहुलक। तो हाँ ओके, चलिए बहुलक हो गया है। तो हमने तीनों चीजें आपको करा दी है, क्या क्या करा दिया है भैया, सबसे पहले मैंने आपको कराया माध्य, ये हो चुका है। दूसरा मैंने आपको क्या कराया, माध्यिका, ये भी हो चुका है। तीसरा मैंने आपको क्या कराया भैया, मैंने आपको कराया बहुलक, क्या कराया बहुलक। ठीक, तो ये तीनों मैं आपको करा चुका हूँ, तीनों को तीनों सीरीज में करवाया है मैंने। ठीक है, अब मेन बात आती है कि माध्यिका का फॉर्मूला और बहुलक का फॉर्मूला, और इन दोनों का फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, फॉर्मूले की। तो ये याद कर लो, और किसमें, कंटिन्यूअस सीरीज में, किसमें भैया, कंटिन्यूअस सीरीज, ये इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूअस सीरीज में इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। चलिए मैं लिख देता हूँ और आपको भी याद होना चाहिए। ठीक है, क्या है फॉर्मूला, आइए देखिए फॉर्मूला। तो मैं माध्यिका का लिख रहा हूँ, ठीक है, माध्यिका का कॉमन देखिएगा, और यहाँ लिख रहा हूँ बहुलक का, तो दोनों में कॉमन मैच करिएगा बहुलक के लिए। सबसे पहले आपने लिखा एल प्लस यहाँ पर और इंटू एच, सेम चीज यहाँ भी है बहुलक के लिए, एल प्लस ये और इंटू एच, तो दोनों में ये सेम हो गया। तो याद करने वाला थोड़ा बवाल कम हुआ कि नहीं, तो अभी दिख रहा, ठीक है, चलो एच एच। अब बात आई बीच में क्या रहेगा, तो देखो याद कैसे रखेंगे जैसे आपने कहा माध्यिका, माध्यिका का मतलब होता है मध्य, मध्य का मतलब अगर कोई नंबर एन दिया है उसका मध्य निकालना है तो एन बाई टू करते हैं, बस याद रखो यहाँ पर करेंगे एन बाई टू माइनस। अब जब एन बाई टू करोगे तो यहाँ करेंगे सी एफ अपॉन में एफ, बस खत्म। यहाँ पर क्या करेंगे, वही यह तरीका, एफ वन माइनस एफ जीरो, और नीचे भी लिखेंगे एफ वन माइनस एफ जीरो, बोलो याद हुआ। अब यहाँ दो चिपका दो नीचे, क्या चिपका दो, दो, और जब दो चिपकाओगे तो यहाँ पर क्या कर दो, क्या कर दो भैया एफ टू, बताओ आसान है कि नहीं, उम्मीद है ये बातें समझ में आ गई होंगी, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है बेटा। ठीक है, आइए अगली बात करते हैं, नेक्स्ट, अगली इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कभी कभी पेपर में ये चीज़ पूछी जाती है, रिलेशन, क्या भैया, रिलेशन बिटवीन माध्यिका और बहुलक, माध्यिका और बहुलक, रिलेशन का मतलब संबंध, इन तीनों के बीच में क्या संबंध। तो इन तीनों के लिए फॉर्मूला यूज होता है, इन तीनों के लिए क्या यूज होता है भाई, अब वो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला कौन सा होता है भाई, फॉर्मूला सिंपल सा है, मैं लिख रहा हूँ बहुलक बराबर, क्या होता है भैया, बहुलक बराबर तीन माध्यिका माइनस दो माध्यिका, बहुलक बराबर क्या, तीन माध्यिका माइनस दो माध्यिका, तीन माध्यिका का मतलब तीन का गुणा है और दो माध्यिका का मतलब दो का गुणा है। ठीक है, तो याद रहेगा। अब देखो यहीं से घुमा फिर आके बहुत सारे सवाल बनते हैं, कैसे कैसे, अब इस माइनस वाले को इधर ले आएंगे तो एक फॉर्मेट ये बना देंगे सवाल में, क्या बहुलक प्लस दो माध्य बराबर क्या हो जाएगा, तीन माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा, तीन, अब तीन से भाग कर दें तो अगला टर्म क्या, बहुलक प्लस दो माध्य बटे तीन बराबर कितना, ये होती है माध्यिका। सवाल में माध्यिका देके कुछ भी पूछ सकता है, और देखो क्या क्या बनेंगे, ध्यान देते रहिए, कभी कभी डायरेक्ट ऐसा सवाल भी आ जाता है, क्या सवाल में पूछा जाएगा, सवाल में कुछ इस तरह का सवाल आएगा, देखो अगर मैं तीन को इधर ले जाऊं माध्यिका को इधर ले जाऊं तो आप कहेंगे बहुलक प्लस दो माध्य बटे माध्यिका, इनको सॉल्व करो
और सब सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आने वाला है, ये फिक्स होता है कितना आएगा, 3। तो कोई भी बहुलक माध्य और इनका रिलेशन अगर है तो वो फिर 3 के बराबर ही होगा, सिंपल है, कुछ भी नहीं करना। अब सवाल एग्जांपल कुछ इस तरह से बना देगा, कहेगा कि बहुलक एक्स, बहुलक कितना है एक्स, आपसे कहेगा माध्य वाई है, ठीक है, माध्यिका जेड है, माध्यिका जेड है, तो आपसे कहेगा एक्स प्लस टू वाई अपॉन में जेड का मान क्या होगा। अब बच्चे निकालने बैठ जाएंगे, भाई प्लीज मत निकालिए, आपको पता है ये फॉर्मूला ही लिखा हुआ, और इस फॉर्मूले की वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है फिक्स। तो आप कुछ बच्चे बहुलक मानेंगे, फिर माध्य मानेंगे, और फिर मान के मान भी नहीं पाओगे, या तो कोई एक डेटा लो और डेटा लेने के बाद तुम ये चीजें निकालो, फिर इसमें रखो, फिर उसके बाद आंसर निकालो, तो उन बच्चों के लिए मुश्किल हो जाएगा जिन्होंने इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया है, ठीक है, कर पाओगे। चलो तो ये हो गया हमारा माध्य, माध्यिका और बहुलक। किसी को यहाँ कोई दिक्कत, दो पार्ट हो चुके हैं अपने, इसके पहले एक पार्ट मैंने बनाया था उसको जरूर देखिएगा, और एक पार्ट ये हो गया। तो अभी देखो खत्म नहीं हुआ है, अभी और चीजें बची हुई हैं। अब क्या क्या बचा हुआ है, क्या क्या करना है हम लोगों को, इस चीज को ध्यान देना पड़ेगा। अब हमको 3-4 चीजें और है जो पढ़नी है। सबसे पहली चीज जो पढ़नी है, इसको ध्यान देना, ये इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो आपको निकालना है विचलन। क्या निकालना है अभी, विचलन। अब देखो विचलन क्या है, दो तरह के होते हैं, एक हम बोलते हैं स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड को मतलब क्या भैया, मानक, क्या होता है मानक। विचलन को बोलते हैं भैया डेविएशन, डेविएशन, ठीक। एक स्टैंडर्ड होता है और एक होता है भैया किसी के अगेंस्ट, क्या होता है भैया, अगेंस्ट। अगेंस्ट का मतलब होता है के सापेक्ष, क्या होता है भैया, के सापेक्ष। अब ये सर समझ में नहीं आया ये क्या चीज है, भाई देखो के सापेक्ष का मतलब ये है, सवाल सिंपल से पूछेगा, अगर कहेगा केवल विचलन बताओ, मैं लिख रहा हूँ केवल विचलन, सवाल में अगर कहे केवल विचलन ज्ञात कीजिए, तो आपको निकालना होता है हमेशा माध्य के सापेक्ष, किसके सापेक्ष निकालना होता है। अगर मेंशन नहीं करता है, सवाल सिर्फ इतना कहता है कि विचलन ज्ञात करो, तो भाई हम निकालेंगे माध्य के सापेक्ष। सवाल में मेंशन कर देगा कि माध्यिका के सापेक्ष निकालो, किसके सापेक्ष, माध्यिका के सापेक्ष अगेंस्ट, या फिर सवाल में कह देगा भैया किसके सापेक्ष निकालो, बहुलक के सापेक्ष निकालो, तो ये बना सकता है। तो किसी के भी टर्म में, किसी के भी अगेंस्ट पूछा जा सकता है, एक तो ये जिसके अगेंस्ट में होता है, और एक पूछा जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो डेविएशन पे एक सवाल जरूर आता है, अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है। इसके बाद अब बात करते हैं, डेविएशन की बात हो चुकी है, देखो यहीं से एक और बनता है वेरिएंस, क्या बनता है भैया, वेरिएंस। वेरिएंस क्या सर, ये होता है विचरण, ये क्या होता है भैया, विचरण, या इसी को क्या कहा जाता है, प्रसरण, क्या कहा जाता है, विचरण प्रसरण कहा जाता है, ठीक, विचरण या प्रसरण। इसी के बाद अगला एक और चीज बनती है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, क्या बनता है भैया, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, इसी को बोलते हैं विचरण गुणांक, क्या बोलते हैं भैया, विचरण गुणांक, क्या बोलेंगे, विचरण गुणांक। यहाँ से एक चीज और बनती है भैया, अब ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस और वेरिएंस जब निकल आता है तो रिलेशन निकलता है इनके बीच में, किनके बीच में भैया, रिलेशन बिटवीन स्टैंडर्ड डेविएशन, मिलेगा स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब मानक विचलन के बीच में रिलेशन बताना है, ठीक है, एंड वेरिएंस, एंड वेरिएंस का मतलब प्रसरण और किसके बीच में भैया, प्रसरण और स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब मानक विचलन, मानक विचलन और इसके बीच में रिलेशन। तो इतनी चीजें हमको अभी और करना, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या करना है, हम लोगों को पढ़ना ही है, ठीक है। तो आइए, तो हम लोग सीखने वाले हैं वेरिएंस के बारे में, हम लोग सीखने वाले हैं डेविएशन के बारे में, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में हम लोग इसको सीखेंगे, और उसके बाद एक पार्ट और मिलेगा आपको, जिसमें आपको सीखने को मिलेगा कि कैसे क्वेश्चन को जल्दी किया जाए, ये सीखने को मिलेगा। सवाल देखते ही हो जाना चाहिए, है ना,
कुछ चीज़ें होंगी जिनमें करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जिनको हम लोग देख के भी कर पाएंगे। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इसका पूरा ये इसके बाद वाला पार्ट चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है, कंप्लीट चीज़ें देखनी है नहीं देखनी, कैसा लगा वीडियो में बताया ज़रूर करिए। तब मोटिवेशन मिलता है कि हाँ सब अच्छा चल रहा है, समझ में आ रही हैं चीज़ें कि नहीं आ रही हैं, भाई कमेंट ज़रूर करिए, ठीक है। और जिन दोस्तों को पढ़ना है भाई शेयर भी करो, उनको बता दो कि आसानी से आप पढ़ सकते हो, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल तरीका होता है, सिंपल सिंपल चीज़ें होती हैं, उनको बड़ी आसानी से कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए।